दोस्तों, आपने फिल्मों में हीरोज को स्टंट करते हुए तो देखा ही होगा, जिनमें से कुछ स्टंट असली होते हैं लेकिन कुछ स्टंट वीएफएक्स की देन होते हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में जो स्टंट दिखाने वाले हैं उन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में आपको दुनिया भर के डेयर डेविल्स की ऐसी खतरनाक जंप्स देखने को मिलेंगी जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बिल्कुल एक्शन बेस्ड होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर के उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्काई डाइविंग विदाउट पैराशूट। दोस्तों सोचिए, अगर आपको 13,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के ही नीचे फेंक दिया जाए तो किसी भी इंसान का क्या हाल होगा, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा दिलेर व्यक्ति भी है जिसने 13,000 फीट की ऊंचाई से बिना किसी पैराशूट के अपनी मर्जी से जंप किया था। इस व्यक्ति ने पहले अपना पैराशूट नीचे फेंक दिया और उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे खुद भी एयर बलून से नीचे जंप लगा दी। इसके इस एक्शन को शूट करने के लिए इसके टीम मेंबर्स भी इसके साथ कूदे, लेकिन उन्होंने पैराशूट पहना हुआ था। लेकिन इस व्यक्ति को अपनी जंप के बाद बहुत जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और इसने अपनी जंप के 40 सेकंड बाद ही अपनी टीम के एक मेंबर को पकड़ लिया जिसके पास पैराशूट मौजूद था, और फिर वो उसी पैराशूट की मदद से जमीन पर बिना किसी हानि के पहुंच गया। तो दोस्तों, आप इस स्टंट को दिलेरी कहेंगे या बेवकूफी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इज फ्लाई लाइक अ बर्ड। दोस्तों, जेफ कर्लिस को दुनिया का सबसे बेहतरीन विंग सूट पायलट कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपने करियर में ऐसे ऐसे स्टंट किए हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। 2013 में अक्टूबर में चाइना के लैंगशेंग माउंटेन में एक 10 फीट की दरार के बीच से निकल कर इतिहास रच दिया। ये दिखने में आपको भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि जेब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे थे और इस रफ्तार से उड़ते उड़ते उन्होंने 10 फीट की दरार के बीच से निकलकर जैसे इस स्टंट को अंजाम दिया वो सचमुच काबिले तारीफ है। हाईएस्ट क्लिफ जंप। दोस्तों, 2015 में स्विट्जरलैंड के लेजर शलार्ड ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस रिकॉर्ड में उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची क्लिफ जंप को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई पिज़ा के टावर से भी ज्यादा थी और लेजा ने अपनी इस जंप को सिर्फ 3.5 सेकंड में ही पूरा कर लिया। इस जंप में सबसे कमाल और खतरनाक बात ये थी उनकी स्पीड, जो कि उनकी जंप करते समय 123 किलोमीटर प्रति आवर की हो चुकी थी। इस स्टंट को करते समय जंप करने के बाद लेजो कुछ सेकंड तक पानी से बाहर नहीं आए, जिसे देखकर लोग घबरा गए। लेकिन जैसे ही लेजो पानी से बाहर आए तो सब उन्हें देखकर बेहद ही ज्यादा खुश हो गए और उनकी हौसला अफजाई की। नेक्स्ट इज बेस जंपिंग इन दुबई। दोस्तों, अगर आपसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से जंप लगाने के लिए कहा जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अब आप यही सोच रहे होंगे कि भले इतनी ज्यादा ऊंची इमारत से जंप लगाना कहाँ की समझदारी हो सकती है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नया कर गुजरने की चाह में ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जिनके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही 2014 में फ्रेंच बेस्ड जंपर प्रिंस और ब्रेड ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया जब उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के ऊपर से विंग सूट पहनकर जंप लगा दी। इस पूरे इवेंट को स्काई डाइव दुबई नाम की एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। 828 मीटर की इस भयानक ऊंचाई से कूदते हुए इन दोनों डेयर डेविल्स ने बिल्डिंग के चारों तरफ चक्कर लगाए और बेहद ही आराम से और आनंद लेते हुए अपनी इस ऊंचाई और जंप को पूरा किया, और कुछ सेकंड बाद ही वो सेफली अपने पैराशूट खोलकर जमीन पर लैंड कर गए। तो दोस्तों, इन डेयर डेविल्स की इस हिम्मत के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर करते चलें। नेक्स्ट इज द गाय विद द मास्क। दोस्तों, मुंह पर मास्क पहने इस व्यक्ति ने पूरी यूट्यूब की जनता को अपने क्रेजिएस्ट जंप की वजह से हैरत में डाल दिया। ये शख्स बिना पैराशूट के ही इतने ज्यादा खतरनाक जंप्स को अंजाम देता है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति एक बिल्डिंग की इतनी ज्यादा ऊंचाई से जंप करता है और बिल्कुल एक पुल के करीब जाकर ही पानी में गिरता है।
ये पुल और इसके बीच का फासला बेहद ही ज्यादा कम था, जो कि इसकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला भी हो सकता था, क्योंकि अगर ये जरा भी पुल में टकरा जाता तो फिर इसका क्या हाल होना था वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन इसने ये जंप सक्सेसफुली करके पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के ऐसे लोग जिन्होंने अपनी बेहद ही ऊंची और अनोखी जंप से दुनिया को हैरान कर दिया। आपको इनकी ये दिलेरी कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।